मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 7, जिसका नाम है सर्वनाम। इसे हम इंग्लिश में प्रोनाउन भी कहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं सर्वनाम। अध्यापिका, देश के प्रधानमंत्री कौन हैं? कंचन जवाब देती है, नरेंद्र मोदी। अध्यापिका पूछती हैं, नमन तुम कल कहाँ थे? नमन जवाब देता है, मैडम मैं कल दिल्ली गया था। अध्यापिका कहती हैं, कल हम पिकनिक पर जाएंगे, जिसे चलना है उसे अपना नाम लिखवाना होगा। बच्चे कहते हैं, मैडम आप हम सब का नाम लिख लें। तो बच्चों, आपने देखा कि ऊपर दिए गए संवाद में रंगीन छपे शब्द जैसे कौन प्रधानमंत्री के लिए, तुम और मैं नमन के लिए, हम तथा जिसे उसे, बच्चों के लिए, आप मैडम के लिए, हम सब बच्चों के लिए प्रयोग किए गए हैं, अर्थात ये सभी सर्वनाम हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ प्रमुख सर्वनाम निम्नलिखित है जिसे अब हम पढ़ेंगे। अपने लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम एक वचन में, जैसे मैं, मेरा, मेरी, मेरे, मैंने, मुझे तथा मुझको, ये सभी सर्वनाम एक वचन में प्रयोग होते हैं और अपने लिए प्रयोग होते हैं। इसी प्रकार से अपने लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम जो कि बहुवचन में प्रयोग होते हैं वो इस प्रकार से है, जैसे हम, हमारा, हमारी, हमारे, हमने, हमें तथा हमको। दूसरे नंबर पे है जिससे बात की जा रही है, अर्थात सुनने वाले के लिए, जिसे हम मध्यम पुरुष भी कहते हैं। एक वचन में प्रयोग होने वाले मध्यम पुरुष इस प्रकार से हैं, जैसे तू, तूने, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको तथा आपने। इसी प्रकार से बहुवचन में उपयोग में लाए जाने वाले मध्यम पुरुष इस प्रकार से हैं, जैसे तुम, तुमने, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारे, आप, आपने, आपको तथा आपका। ये सभी मध्यम पुरुष बहुवचन के सर्वनाम के रूप हैं। अब हम पढ़ेंगे तीसरे नंबर पे जो आता है वो होता है अन्य पुरुष, जो कि अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है। एक वचन में इनका प्रयोग इस प्रकार से होता है, जैसे वह, उसे, उसने, उसका, उसको तथा उनके। बहुवचन में इनका प्रयोग वे, उन्हें, उन्होंने, उनका, उनकी तथा उनके। प्रश्न पूछे जाने के लिए जिन सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं एक वचन में वो इस प्रकार से हैं, जैसे कौन, किसे, किसका, किसके तथा किसको। बहुवचन में कौन, किन्हें, किनका, किन्होंने, किनकी तथा किनके। अब आइए पढ़ते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद हैं। पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा भेद निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा भेद अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा भेद संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा भेद
प्रश्नवाचक सर्वनाम तथा छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के भेदों का विस्तृत अध्ययन हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। तो चलिए अब दोहरा लेते हैं कुछ मुख्य बातें जिन्हें हमने इस पाठ में पढ़ा। जैसे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के प्रयोग होने से भाषा में सुंदरता आती है। सर्वनाम के 6 भेद हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक तथा निजवाचक। तो इस पाठ में बस इतना ही।